एक दिन हर बार की तरह मैं अपने लैपटॉप में WWE गेम खेल रहा था, लेकिन मुझे एक आइडिया है यार, अपने WWE गेम मल्टीप्लेयर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसके लिए चाहिए गाइस गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल मैंने फटाफट अपने मोबाइल उठाया एंड गेमिंग कंसोल करके सर्च किया, लेकिन गाइस उसका प्राइस बहुत महंगा था जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपने मोबाइल को ध्यान से देखा गाइस, यार अपने मोबाइल को ही ऐसे गेमिंग कंसोल नहीं बना सकते, और मुझे आइडिया आया एंड मैं फटाफट अपना गूगल ओपन किया एंड मैंने फटाफट थोड़े ट्रिक्स ढूंढ। सो गाइस, आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप एंड पीसी है एंड आप गेम्स खेलते हो अपने कंप्यूटर के अंदर एंड आपको ये नहीं पता कि मल्टीप्लेयर गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेले। सो आप सोच रहे हो कि मल्टीप्लेयर गेम खेलने के लिए गेमिंग कंसोल जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो कि अपने मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके एज ए गेमिंग कंसोल की तरह यूज़ करके अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी मेंबर्स है अपने फैमिली के साथ अच्छे से खेल सकते हो गाइस। बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, जब तक अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना बहुत ज़्यादा मजा आती है। तो अपने डिवाइस को कैसे ऐसे गेमिंग पैड की तरह बनाएं, गेमिंग कंसोल की तरह बनाएं, जिससे कि लैपटॉप के अंदर मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं एंड जैसे WWE गेम के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं WWE के अंदर अपने 4 प्लेयर्स का एक टारगेट रखेंगे, जैसे कि 4 डिवाइसेस हो गए, जो भी खेलना चाहता है उसको मोबाइल लेने का, मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने का, या आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप आराम से इसे खेल सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे इसे इंस्टॉल करें, कैसे इसे सेटअप करें, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो गाइस, जैसे अपने मोबाइल स्क्रीन पर आते हो सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है ड्रॉइड जॉय, जो कि जॉयस्टिक तरह का काम करता है, जिससे कि आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपली इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़े एक्सेप्ट एंड परमिशन मांगेगा जिसे आपको कर देना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसके अंदर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद कनेक्शन के अंदर जाना है। कनेक्शन टाइप के अंदर आपको दिख रहा होगा जो कि वाईफाई होगा, उसके आप ब्लूटूथ में कनेक्ट कर लिए, क्योंकि आपने जो कनेक्ट करने वाले हो ब्लूटूथ से करने वाले, ब्लूटूथ से थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है वाईफाई के थ्रू, तो ऑटो कनेक्ट भी आपको ऑन कर लेना है जैसे कि अच्छा रहेगा। तो अपना मोबाइल का जो सेटिंग्स है वो तो कंप्लीट हो गया गाइस। अभी हम जाते हैं लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कैसे डाउनलोड करना है वो देखते हैं। सो गाइस, जैसे अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हो सिंपली आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जाके सिंपली आप क्लिक करते ही ये वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। इधर आपको आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसे क्लिक करते ही जो आपको डाउनलोड पे थोड़े मटेरियल्स दिखाई देंगे, इससे हमने ऊपर वाला जो भी है उसे डाउनलोड करना है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड करके रखना है गाइस, जो कि अपना गेम थोड़ा स्मूथ चलेगा, जो भी बग्स है उसे रिमूव कर दिया जाएंगे। तो इसलिए अपने जो गेम है वो डाउनलोड होने लग गया, मैंने प्लेस कर दिया, मेरा सेव लोकेशन कर दिया, जो कि अभी गेम तो डाउनलोड हो रहा है गाइस। होने के बाद आपको गाइस जैसे कि अपना जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड तो हो गया है, सिंपल इसे डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको थोड़ा परमिशन मांगेगा, उसे यस करना है। यस करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, जो इंग्लिश ऑप्शन है उसे ओके पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अपना जो डिवाइस है अभी नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर एग्रीमेंट पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका डेस्कटॉप है एंड क्रिएट ए न्यू आइकॉन करके आपको क्लिक करना है, जो कि डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो सिंपली ये अपने गेम पैड है वो इंस्टॉल हो गया, तो इसे कुछ नहीं करना है, अभी लॉन्च कर दिया मैंने, जैसे कि मैंने इसके अंदर लॉन्च तो कर दिया, अभी थोड़ा टाइम लेगा गाइस ओपन होने में। देखिए गाइस, ये है ड्रॉइड जॉय सर्वर, मतलब एक सर्वर है जिसके अंदर हमने अपने गेम पैड को अपने लैपटॉप को, जैसे मैंने ब्लूटूथ को अभी मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ब्लूटूथ है अभी मैं इसके अंदर मेरा जो डिवाइस है मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा रियलमी 6 है उसे मैं सिंपली कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट तो हो गया आई थिंक,
मैं इधर मोबाइल के डिवाइसेस के अंदर जो कनेक्टिंग का ऑप्शन है उसे उसके ऊपर क्लिक करते ये कनेक्टिंग हो रहा है क्योंकि ये सर्वर के पास से। सो गाइस जैसे देख रहे हो मेरा जो मोबाइल है वो उससे कनेक्ट हो गया। देखिए मेरा कनेक्ट करके दिखाई दे रहा है, इधर आपको एक ऑप्शन भी दिखाई दे रहा हो, ये ऑप्शन है। एंड इसके अंदर आप आराम से दो तीन प्लेयर को आराम से एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे गेम पैड करके एक्टिवेट एक सिम कोड करके जैसे क्लिक करेंगे सब एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि आपको कम से कम चार प्लेयर इसके अंदर खेल सकते हो। तो मैं अपना जो गेम है उसे ओपन कर लेता हूँ, जो कि अभी चल रहा है कि नहीं इस मोबाइल डिवाइसेस के अंदर अभी कनेक्ट हुआ है एंड ये अभी चल रहा है कि नहीं देखते अपने। यार गेम चालू होने से पहले आपको गेम पैड का ऑप्शन में जाना है। गेम पैड का ऑप्शन में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें स्टैंडर्ड व्यू आपको सेलेक्ट कर लेना है गाइस। जैसे आप स्टैंडर्ड व्यू सेलेक्ट करते हो आपके क्या आप देख सकते हो आपको एक गेम पैड मिलेगा, जैसे कि ऐसा वाला गेम पैड देखने को मिलेगा जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इस डिवाइस से थ्रू। जैसे कि अब मैं कंट्रोल करता हूँ अपने डेस्कटॉप को, जैसे कि अभी मैंने ओपन कर लिया, मैंने जैसे उसके अंदर मैंने GTA 5 तो ओपन कर लिया। देखिए अभी मैंने इस उसको सिंपली इधर ओपन करके रख दिया, लेकिन अभी मैं बैक जाता हूँ, बैक का इधर ऑप्शन है। देखिए मैं कैसे इसको आगे बढ़ाता हूँ, वो आगे बढ़ते जाएगा। मैं वायरलेस भी खेल रहा हूँ इस गेम को। जैसे अभी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं सिंपली अभी बाहर जाता हूँ, देखो मैं अभी बाहर तो गया, अभी मुझे किसी को मारना है तो मैं सिंपली इसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन इधर कंट्रोल करके आप आराम से देख सकते हो। तो मैं इसे कंट्रोल दिखा दिया गाइस। देखें मैं पूरा प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ, अगर नहीं वर्क कर रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। अगर तुम्हें अगर प्रॉब्लम आ रही तो सिंपली वाईफाई के या ब्लूटूथ के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम आ रही तो गाइस ब्लूटूथ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती थी जो कनेक्टिंग के प्रॉब्लम में वो आती है, लेकिन अभी मैं अभी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस इस चैनल के अंदर मैं लाते रहता हूँ। तो अंटिल देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।